हाँ जी, की हाल चाल? बढ़िया सब। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। तो भाई साहब, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे कैसे साइंटिफिक वे से यहाँ पे कोई भी ग्लास को, जार को क्लीन किया जाता है। देखिए, यहाँ पे ग्लास का जार है, ये आपका कैसे साइंटिफिक वे से इसमें हम इसको हम क्लीन करेंगे। ये देखिए, आपका पूरी तरीके से यहाँ पे गंदा लगा हुआ, ये आपका पूरा इसमें आपका गंदा बैठ गया है। इसको हम कैसे हम क्लीन करेंगे, ये भी आपका डब्बा यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे इसको हम कैसे हम क्लीन करेंगे। ये देखिए, इसमें अचार का जो डब्बा है ये पूरी तरीके से गंदा हो गया, और आप लोग बहुत सारा आप लोग क्या हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। सही पकड़े हैं कि आप लोग छुड़ाएं कैसे, कौन सा तरीका लगाएं जिससे आसानी से ये डब्बा और ये ग्लास का जार इजिली आपका क्या हो जाए, छूट जाए। यहाँ पे बीकर भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे पूरी तरीके से गंदा हो गया है, पूरा इसमें आपका जम्स बैठ गया है, डस्ट पार्टिकल इसमें बैठ गया है। तो हम यहाँ पे इसको हम जो कोई भी चीज़ मटेरियल जो है यहाँ पे, कोई भी चीज़ अगर बैठ जाता है, कोई भी चीज़ डस्ट पार्टिकल हो गया या कोई भी चीज़ तेल का सामान हो गया इस डब्बे में बैठ जाता है, या इसमें कोई भी चीज़ सॉस का डब्बा जो हो गया, इस सॉस के डब्बे में यहाँ पे जो सॉस जो लग जाता है और आप लोग छुड़ाते हैं तो आप अच्छा तरीके से छुड़ा नहीं पाते, पूरी तरीके से छुड़ा नहीं पाते। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे पूरी तरीके से हम क्लीन करके दिखाएंगे। अभी मजा आएगा ना वीडियो। अब हम वीडियो को देर नहीं करते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए हम कुछ तरीका यूज किए हैं इसको साफ करने के लिए। यहाँ पे हम यूज करेंगे, ये है हमारा वाइट विनेगर, ठीक है। इस वाइट विनेगर को यूज करेंगे, और यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक ये है आपका बेकिंग सोडा, जिसे आप कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। और यहाँ पे हम कॉमन साल्ट का भी यूज करेंगे, ये है हमारा कॉमन साल्ट, जिसे आप कहते हैं NaCl, ठीक है। तो गाइस, ये सब सारे चीज़ को हम यूज करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास है हॉट वाटर। इस हॉट वाटर में हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हॉट वाटर को भी हम यहाँ पे यूज करेंगे, और यहाँ पूरी तरीके से जो डस्ट, यहाँ पे जो गंदगी लगा हुआ है इस ग्लास जार में और ये आपका प्लास्टिक के डब्बे में, तो ये पूरी तरीके से अभी आपके सामने क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस डब्बे में हम क्या करेंगे, यहाँ पे विनेगर लेंगे, और यहाँ पे हम बेकिंग सोडा को हम डाल दिए, और यहाँ पे हम विनेगर को हम यूज करेंगे। देखिए, विनेगर को आप इसलिए यूज करते हैं ना, ये सब क्या करता है ना कि डिसइनफेक्टेंट का काम करता है। जैसे देखिए, विनेगर जैसे ही इसमें आपका हुआ था, वैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने लगा, ठीक है। तो इसको हम पूरी तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पे क्लीन करेंगे, हल्का सा हम कॉमन साल्ट भी यूज कर लेते हैं, है ना। अब यहाँ पे फनल के जरिए, है ना, फनल के जरिए इसमें हम हॉट वाटर डाल देंगे, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे सेक करके उसके बाद हम फिर क्लीन करेंगे। तो सबसे पहले अब सेक करके ये पूरी तरीके से हम इसको हम क्या करेंगे, सेक करेंगे, है ना। अब इसको हम इसमें हम डाल देंगे, यहाँ पे डब्बा रखा हुआ है, इस डब्बे में हम डाल देंगे, है ना। और अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी। अब इसमें हम क्या करेंगे कि सॉल्यूशन को डालेंगे, ये जो है हमारा सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन को हम डालेंगे, ठीक है, इतना काफी है। अब उसके बाद देखिएगा, ये आपका पूरी तरीके से क्या होगा कि चमकने लगेगा, क्योंकि विनेगर और बेकिंग सोडा और ये साल्ट अगर एक साथ रिएक्शन करता है ना, तो यहाँ पे आपका एक डिसइनफेक्टेंट का काम करता है, यहाँ पे ये आपका लाइटनिंग और व्हाइटनिंग इफेक्ट देता है, मतलब पूरी तरीके से क्या वो चमकने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम साइंटिफिक तरीके से हम यूज करके हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस चीज़ों को हम चमका रहे हैं, है ना। ऐसे कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी, है ना, इस चीज़ों को हम साफ कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, कोई भी तरह का हम डिटर्जेंट का यूज नहीं कर रहे हैं, अगर डिटर्जेंट रहता ना, डिटर्जेंट का हम कोई भी तरह का नहीं, पूरी तरीके से नेचुरल चीज़, और ये आपका कोई भी हानिकारक चीज़ नहीं है, ठीक है, ये सब चीज़ का हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम कुछ देर के लिए हम छोड़ देंगे, उसके बाद फिर हम इस डब्बे में हम इसी तरह हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले गर्म पानी दे के, और उसके बाद हम करेंगे गर्म पानी को हम इसमें क्या कर दिए, सेक कीजिए पूरे अच्छा तरीके से। अच्छा, हमको सिखा रहा है। इजीली आपको क्या करना है, पहले सबको गर्म पानी को आपको डाल के पूरी देर तक आपको सेक करना है, 5 मिनट तक आपको सेक करना है, उसके बाद फिर यहाँ पे हम ये क्या करना है,
ये आपको पानी को आपको फेंक देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे यूज करना है ये आपका कॉमन साल्ट यूज कर दीजिए, ठीक है, और यहाँ पे विनेगर यूज कर दीजिए, ठीक है। और ये आपका बेकिंग सोडा जो है इसे आप यूज कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये सब यूज करके और आपको क्या करना है, ढक्कन बंद करके अब इसको सेक करना है ना। देखिए हल्का फैन टाइप में बन गया, ठीक है। अब उसके बाद इसको ये करने के बाद यहाँ पे बर्स है, इस ये दोनों बर्स से आपको क्या करना है, रगड़ना है ना। ये हम यहाँ पे रगड़ रहे हैं, देखिएगा कुछ समय के बाद हम पहले रगड़ लेते हैं उसके बाद फिर हम आपको दिखाते हैं। फाइनली गाइस यहाँ पे पूरी तरीके से, यहाँ पे देखिए आपका पूरी तरीके से यहाँ पे क्लीन हो गया, ये देखिए वाओ वाओ। ये आपका 15-20 मिनट ये लगाए हम टाइम, 20 मिनट लगा टाइम, ये सारा आपका बोतल आपको दिख रहा होगा पूरी तरीके से यहाँ पे क्लीन हो गया भाई। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता। ये आपका यहाँ पे भी देखिए, ये भी आपका किस टाइप में पहले था और अभी देखिए किस टाइप में है। ये दोनों सॉस का बोतल आपको दिख रहा होगा, और ये डब्बा आपका पूरी तरीके से यहाँ पे आपका जो था ये आप में ऑयल का सेप्स इसमें लगा हुआ था, ऑयल लगा हुआ था इसमें, ये अभी आपको दिख रहा होगा पूरी तरीके से यहाँ पे न्यू हो गया है। तो ये यहाँ पे हम यूज किए हैं आपका बेकिंग सोडा जिसे आप सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, और ये आपका विनेगर यूज किए हैं वाइट विनेगर। ये दोनों आपका क्या काम करता है कि डिसइनफेक्टेंट का काम करता है। ये आपका पूरी तरीके से जो इसमें आपका डस्ट पार्टिकल कोई भी चीज़ आपका ऑयल का आपका जो जमा हुआ है ना वो पूरी तरीके से क्या करेगा, ये आपका रिमूव कर देता है ना। तो आप इस तरीके से साइंटिफिक वे से आप अपने ये कोई भी ग्लास जार को या फिर कोई भी प्लास्टिक के चीज़ों को आप यहाँ पे इजीली आप साफ कर सकते हैं। यहाँ पे ये बीकर में आपको ये जो गंदगी दिख रहा है ये गंदगी को आप ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसी में मेरा टाइम सबसे ज़्यादा लग गया। ये आपको तीन चीज़ आपको दिख रहा होगा पूरी तरीके से क्लीन, यहाँ से इसका आपका जो ढक्कन है ये भी आपका पूरी तरीके से क्लीन हो गया। तो इसमें आपका हल्का हल्का स्मेल आ रहा है, तो इसमें आप क्या कीजिए ना कि इसमें आप लेमन का यूज कर सकते हैं, लेमन जिसे आप सिट्रिक एसिड जो होता है लेमन जो आप पीने में यूज करते हैं लेमन, वो नींबू का यूज कर सकते हैं। नींबू में आप क्या कर दीजिए इसका रस से आपको रगड़ दीजिए, तो इसमें क्या होगा कि नींबू जो है ना वो आपका पूरी तरीके से इसमें जो आपका जो स्मेल आ रहा है वो स्मेल आने नहीं देगा, ठीक है, वो स्मेल को क्या कर देगा कि वो पूरी तरीके से रिमूव कर देगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आप साफ कीजिए, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपका आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट कीजिएगा, इसके बारे में हम आपको बताएंगे, है ना। और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा कर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के शेयर कीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।